किस तरह से ये नीचे गिरा। और यहाँ से ठीक इसी के अपोजिट एक रोड। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विन न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये है पीछे चिनाब ब्रिज, जिसे कहते हैं वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। तो दोस्तों, कल रात को यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे कुछ डंपर्स एंड ट्रक्स वगैरह चलते हैं, तो कल अनफॉर्चुनेटली एक किसी ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, जो कि यहाँ पे जिस रास्ते पे अभी मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ से किसी वजह से वो उसका टायर स्लिप हुआ या फिर क्या हुआ उसका रीज़न, तो उसके पास जाकर ही पता चलेगा। तो वो जो ट्रक है वो नीचे जाके गिर गया, वो जो जिस जगह पे वो ट्रक गिरा, तो मैं आपको उस जगह लेकर जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पे कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है और फ़िलहाल वहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो ये जो मेरे पीछे आप है सामने देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ से चिनाब ब्रिज दिख रहा है और थोड़ी सी यहाँ से आर्च भी आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए चलते हैं हम। दोस्तों, अब हम जो नीचे डंपर गिरा है उसके पास पहुँच गए हैं। तो अब विजुअल्स में देखिए कुछ नीचे की तरफ, यहाँ पे देखिए आपको डंपर नीचे गिरा हुआ दिख रहा होगा। और ये डंपर कुछ इस वजह से गिरा होगा क्योंकि यहाँ पे ये देखिए आप, एक शार्प टर्न है, जो शार्प टर्न है, तो यहाँ पे आई थिंक जो टर्न है अच्छे से लिया नहीं गया है, या जो टायर है वो ट्रक का वो रोड से हट गया होगा, तो उसकी वजह से शायद ये जो डंपर है नीचे जा गिरा। तो सो गाइज, ये अब हम जो जहाँ पे डंपर गिरा है उसके बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से ये नीचे गिरा है, और इसके अंदर ये आप देखिए बजरी थी, तो बजरी भी ऑटोमेटिकली खाली हो गई है क्योंकि ये जब नीचे गिरा। तो ये कुछ यहाँ पे ऐसा रास्ता है, रास्ता भी इस डंपर ने जो है कि कवर कर दिया पूरा। दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हो, इस जगह से ये जो डंपर है नीचे की तरफ गिर के आया। और यहाँ पे आप देखिए कि जो इसके अंदर ड्राइवर बैठा होगा, भाई साहब उसकी क्या हालत हुई होगी। अभी कुछ ड्राइवर के बारे में पता नहीं चला है, पर यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, जो है कि ये जो कैबिन है आगे डंपर का पूरा अंदर पुश हो गया है। सो गाइस, जो अगर ये जो डंपर है, डंपर का अगर जो कैबिन पुश हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो ड्राइवर है उसको भी काफ़ी चोट आई होगी। तो यहाँ पे हमने पता करने की कोशिश की ड्राइवर की कहाँ पे है, क्या किस कंडीशन में, तो अभी वो हमें पता नहीं लग पाया है। और यहाँ से भी एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि देखिए भाई साहब कैसे ये गिरा है। ये जो चट्टान है, इस चट्टान से ये नीचे की तरफ आया और यहाँ पे आके ये अटक गया। तो बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है ये रात को इस डंपर का। तो दोस्तों, जिस जगह ये डंपर गिरा है, इसी के ठीक सामने आप देख सकते हो चिनाब ब्रिज का जो आर्च है उसको आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा यहाँ से केबल क्रेन दिख रही होगी। तो ये जो डंपर है, ये चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट में ही ये मटेरियल लाने का काम करता था, पर अनफॉर्चुनेटली रात को ये किसी तरह नीचे गिर गया और काफ़ी नुकसान यहाँ पे हो गया, क्योंकि ये जो डंपर है ये भी पूरा टोटल लॉस है। और जो ड्राइवर होगा, ड्राइवर की भी हालत कुछ गंभीर ही होगी, क्योंकि जो इसका कैबिन है, कैबिन पूरी तरह टूट चुका है। तो अगर कैबिन टूटा है तो इसका मतलब ड्राइवर को भी काफ़ी ज़्यादा चोट आई होगी। सो अब इस डंपर को जल्दी से जल्दी यहाँ से उठाया जाएगा और उसके बाद इसकी मरम्मत की जाएगी। दोस्तों, एक बार आपको मैं व्यू यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी जो मैं हूँ, जो चिनाब ब्रिज से थोड़ा दूर हूँ, ठीक उसके अपोजिट खड़ा हूँ, और यहाँ से आप देखिए पूरा कि कितना अच्छा ब्यूटीफुल व्यू दिखता है चिनाब ब्रिज का। और यहाँ से पूरा एक क्लियर दिख रहा है कि चिनाब ब्रिज कितना लंबा है और कितनी इसकी लेंथ है और कितनी ज़्यादा इसकी हाइट है। तो यहाँ से पूरा आपको व्यू अच्छा नज़र आ रहा होगा चिनाब ब्रिज का। तो ये देखिए गाइस, कितना सुंदर यहाँ से दृश्य दिख रहा है चिनाब ब्रिज का, और आने वाले समय में जब इसके ऊपर से ट्रेन जाएगी तो कितना ब्यूटीफुल लगेगा ये ब्रिज देखने में। यहाँ से भी दोस्तों एक बार आप नज़र डाल लीजिए कि जो ये चिनाब ब्रिज है, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, किस तरह से यहाँ से इसका व्यू नज़र आता है। तो कुछ इस तरह से इसका व्यू यहाँ से है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।